यहाँ पर अगर आप लोग के पास Redmi Note 9 Pro Max का डिवाइस है तो फाइनली आप लोग के लिए न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया, जिसका बिल्ड नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा MIUI 12.0.2.0। यानी कि गाइज यहाँ पर ये MIUI 12 का सेकेंड अपडेट फाइनली Redmi Note 9 Pro के लिए मैक्स के लिए रिलीज कर दिया। अगर मैं बात करूँ इस अपडेट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, एंड्रॉयड 11 मिलता है या फिर नहीं, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। साथ ही गाइस यहाँ पर आप लोग बता दूं इसकी लिंक्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, तो आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर चेक कर लेना। अगर अपडेट आया तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर अपडेट नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, यहाँ पर इसकी लिंक्स आप लोग टेलीग्राम से जाकर मैनेज तरीके से अभी के अभी आप इसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट्स वगैरह जैसे कोई अपडेट आता है उसके लिंक्स वगैरह मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। गाइस सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ इसके अपडेट लॉक के बारे में, तो Redmi Note 9 Pro Max के लिए फर्स्ट अपडेट था MIUI 12.0.1.0। ये गाइस सेकंड अपडेट है जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.0.2.0। इसकी साइज आपको लगभग 367 MB की देखने के लिए मिल जाएगी, 400 MB के आसपास की देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर अपडेट लॉक की बात करूँ तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देखने के लिए मिलता है। अब इतना भी लेटेस्ट नहीं है बट यहाँ पर नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और अपडेट लॉग में और क्या क्या चेंजेस किए गए तो यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव होकर देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन होकर देखने के लिए मिल जाएगा। लैंडस्केप मोड में भी यहाँ पर उसको फिक्स किया गया है कंट्रोल सेंटर में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले। आपके डिवाइस में पिछले अपडेट में बैटरी ड्रेन वगैरह होती थी तो वो अब यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड 11 मिलता है या फिर नहीं, तो गाइस यहाँ पर एंड्रॉयड 11 अपडेट नहीं मिला आप लोग के लिए। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि Redmi Note 9 Pro Max के लिए सेकेंड अपडेट आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है, और उसके बाद आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर एंड्रॉयड 11 अपडेट आपको नेक्स्ट मंथ के एंड तक देखने के लिए मिल सकता है, तो थोड़ा सा यार वेट करिए। तो जितने भी यूज़र Redmi Note 9 Pro Max के तो यहाँ पर जाओ फटाफट से सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर चेक करो, अपडेट आया तो अपडेट कर लेना, नहीं आया अपडेट तो यार इसकी लिंक्स मैंने टेलीग्राम पर दे दी, आप लोग एनी टाइम जाके अपडेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, नीचे जो लाल बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब उसको भी प्रेस कर देना, फ्री में होता है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।